हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा पहला अध्याय है देश की माटी। बच्चों, आज हम भाषा की बात करेंगे। बच्चों, भाषा की बात के अंतर्गत हम करते हैं यहाँ पर व्याकरण की बात। तो बच्चों देखिए, इस कविता में व्याकरण के संबंधित क्या क्या आया है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाए। बच्चों, विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या होता है? विपरीत अर्थ वाले शब्द होता है विलोम शब्द। इसका अर्थ होता है कि उल्टा अर्थ वाले शब्द। जैसे बच्चों, उल्टे अर्थ वाले शब्द जैसे आना, आना मतलब होता है आना और इसका उल्टा हो गया जाना। इसी तरह है दिन और दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। इसी तरह मोटा और मोटे का उल्टा क्या हो गया? पतला। तो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम करते हैं मिलान। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आशा, तो आशा का विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है इसमें से? निराशा। तो हम आशा को मिलाएंगे निराशा से। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है इच्छा, इच्छा का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? अनिच्छा। तो इच्छा का विलोम शब्द हो गया है अनिच्छा। इसी तरह बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है शक्तिशाली, शक्तिशाली का उल्टा होता है कमजोर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है देश और देश का उल्टा होता है विदेश। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सरस, तो सरस का उल्टा होता है नीरस। तो बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ विलोम शब्द सीख लिए हैं। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में देश की क्या क्या चीजें कही गई है तथा प्रभु से उनके लिए क्या क्या विनती की गई है, इसकी हमें बनानी है सूची। बच्चों, जो कविता है उसमें कवि ने किन किन चीज़ों की क्या क्या विशेषता बताई है, इसकी हमें बनानी है सूची। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर बना ली है सूची। इसमें देश की जो माटी है और देश का जल, उसकी क्या विशेषता बताई है? सरस, सरस बने प्रभु, सरस बने। इसी तरह देश की हवा और देश के फल को क्या विशेषता बताई है? इसे भी बताया है सरस बने। अब देखिए बच्चों, देश के घर और देश के घाट, इसकी क्या विशेषता बताई है? सरल। देश के घर और देश के घाट सरल बनने की विशेषता बताई है। और देश के वन और देश के बाट को कैसा बनने की विशेषता बताई है? इसे भी बताई है सरल। जो देश के जंगल है और उस पर कठिन रास्ते हैं, वो कैसे हो? सरल और सीधे हो। तो इसकी विशेषता बताई है सरल। अब आगे देखिए बच्चों, देश के तन और देश के मन, तन और मन की क्या विशेषता बताई है? विमल, विमल बनने की इसकी विशेषता बताई है। इसी तरह देश के घर के भाई बहन, भाई बहन को भी क्या बनने की विशेषता बताई है? विमल। देश की इच्छा, देश की आशा, इसे क्या विशेषता बताई है? एक बने प्रभु, एक बने। तो इनकी विशेषता बताइए एक बनने की। इसी तरह देश की शक्ति, देश की भाषा भी कैसी हो? एक हो। तो बच्चों, आज हमारा पहला अध्याय पूरा होता है। अब बच्चों, अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।